हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एडमिट कार्ड के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले दोस्तों। आज लगभग दो तीन लड़कों का फ़ोन आया मेरे पास और JSSC ऑफिस बात किया, JSSC ऑफिस में क्या बताया गया अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, JSSC एग्जाम से रिलेटेड जितना भी PDF हम दिए हैं आपको, पेड कोर्स वाला PDF में, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, चाहे NTEC वाला हो चाहे जनरल इंजीनियरिंग वाला हो। और जितना भी वीडियो हम करवा रहे हैं यूट्यूब जरूर देखिएगा उसको। अब हम जो वीडियो करवाएंगे दोस्तों, वो हम करवाने वाले हैं आपको JSSC जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल जो पूछा हुआ प्रीवियस पेपर है, वो हम करवाएंगे 2019 से लेकर अभी तक 19, 20, 21, 22 चार साल में जो क्वेश्चन पूछा हुआ हम करवाने वाले, जो JSSC में आने का पूरा पूरी चांसेस है। क्योंकि दोस्तों पिछला बार एग्जाम जो हुआ था ना दोस्तों, हूबहू सेम क्वेश्चन आ गया था JSSC का प्रीवियस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा तो आप पेपर देख लीजिएगा, पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम बात सही बोल रहे हैं, तो यदि आप मान लीजिए आपके पास समय मिल रहा है तो जरूर प्रीवियस लगा के जाइएगा। प्रीवियस लगा के जाते हैं दोस्तों, कम से कम 3-4 साल का लगा लीजिए पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, वो काम कर जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप नहीं कर पाएगा तो हम जरूर करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़ के रहना है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेरे पास सुबह एक फोन आया था एक लड़के का, तो उन्होंने बताया कि JSSC ने ऐसे बात बोल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद हम छोटे कोई बात नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी जस्ट एक लड़का तुरंत फ़ोन किया, वो गुजरात का लड़का था, ठीक, गुजरात में रहता, झारखंड का लड़का है लेकिन गुजरात में रहता है, वो जॉब वगैरह करता जो भी है वहाँ पे, वो फ़ोन किया अभी। तो मेरे पास पहले फ़ोन किया उसे कि एडमिट कार्ड क्या हुआ। हम बोले देखिए, एडमिट कार्ड आज आने का चांसेस है, बहुत सारे लोग बोल रहा है, आने का बात चल रहा है, छात्र लोग बोल रहे हैं, ठीक है, आ गया तो ठीक है, न फिर बाद में एग्जाम होगा। तो उन्होंने जस्ट तुरंत फ़ोन लगाया, JSSC मतलब उठाया, तुरंत उसका फ़ोन भी उठा लिया, ठीक है। तो उन्होंने बात किया कि JSSC का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, तब बोलता है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है आज आ जाएगा, ठीक है, यदि एग्जाम 2 तारीख को होगा तो आपका एडमिट कार्ड आज आ जाएगा। ऐसा देखिए दोस्तों कैसा बात बोल रहा है, JSSC के ऑफिस में ऐसा बात बोला जा रहा है, तो मतलब बाहरी लोग क्या बता पाएगा कि यदि एडमिट कार्ड आज आ जाता है तो एग्जाम 2 तारीख से हो जाएगा, और नहीं तो फिर PGT एग्जाम के बाद होगा, ऐसा बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बताइए किस तरह का बात बोल रहा है, दोनों बात बोल रहा है, लड़का भी असमंजस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर वो लड़का बोला कि सर हम गुजरात में रहते हैं, मान लीजिए एग्जाम 2 तारीख को होगा तो फिर हम कैसे आ पाएंगे एग्जाम देने के लिए, मान लीजिए मेरा नाम 2 तारीख का लिस्ट में है एग्जाम देने के लिए, फिर हम कैसे दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला निश्चिंत रहिए, आप PGT का बाद होगा, फिर लास्ट में ये बात बोला। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि एडमिट कार्ड आज आ गया तो आपका 2 तारीख से एग्जाम होगा, नहीं आएगा तो ये आपका तो PGT एग्जाम के बाद होगा। PGT शायद 9 या 10 तारीख तक और चलेगा शायद, मेरे हिसाब से 10 है शायद, पता नहीं, हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 9 तारीख तो पता है कि 9 के किसी एग्जाम का है मेरे जान पहचान का 9 तारीख को, अब 10 को है कि नहीं पता, लेकिन 9-10 को एग्जाम खत्म हो रहा है PGT, उसके बाद ही आपको JEE का ऐसा बोला जा रहा है, जो कि दोनों बात बोल रहा है दोस्तों, हमें अपना बात नहीं बोल रहे, JSSC का जो ऑफिस में फोन लगाया वो बात हम बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा हम अपने बना के बोल रहे तो एडमिट कार्ड आज नहीं आएगा, वो बोला है कि एडमिट आज आ गया तो एग्जाम आपको 2 तारीख से होगा, और नहीं आया तो PGT एग्जाम के बाद होगा। अजीब वो गरीब बात है ना, बात ऑफिस का बात है, ऐसा करके बात आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये लग रहा है कोई मतलब खेल चल रहा है कि चलो भाई हाँ बोल दिए आ गया, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया एक नोटिस निकाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता कि चलो भाई आपका एग्ज़ाम PGT के कुछ अपरिहार कारण की वजह से लिख देना, आपका तो काम है अपरिहार कारण लिखना, ये तो बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, तो लिख देते हैं कि अपरिहार कारणों से कारण JSSC का एग्ज़ाम पोस्टपोन करके 10 तारीख या 12 तारीख या 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, छात्र अपना निश्चिंत रहता, अपना टिकट करवा लेता 10-12 तारीख को, लेकिन आपने क्या किया कि नोटिस अब तक निकाला नहीं, ठीक है। जब आपको फ़ोन कर रहा है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं एग्जाम आपका हो गया, एडमिट कार्ड आ गया तो एग्जाम ले लेंगे, और नहीं आया तो एग्जाम को पोस्टपोन कर देंगे, मतलब PGT के बाद होंगे, ये कौन सा बात हुआ भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बात होता है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे झारखंड है सभी को पता है, आज के डेट में सबको 5G 6G चला रहा है, आज के डेट में इसरो अपना मुंह में जाकर झंडा गाड़ दिया, लेकिन हमारे झारखंड वहीं के वहीं अभी भी है, ठीक है। एक नोटिस निकालने में इसको दिक्कत हो रहा है, निकाल देता भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा बात नहीं कि छात्र आपको मारने दौड़ जाता, नहीं मारता भाई, आप लोग बात समझिए, छात्र को संतुष्टि मिल जाता है, चलो भाई ऑफिशियल नोटिस आया। आप लोग देखिए, छात्र इसलिए परेशान है ना, एक बार पहले 3 दिन पहले नोटिस भेजा कि चलो आपका एग्जाम 2 सितंबर से स्टार्ट है और 5 जगह इसे एग्जाम सेंटर देगा, उससे पहले ठीक 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी दिया था कि 2 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो लोगों को लगा चलो भाई दोबारा नोटिस दिया है तो 2 सितंबर से ही होगा, लेकिन JSSC आज ने प्रूव कर दिया कि उसका बात का कोई यकीन नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो जिस डेट पर बात बोलता है इसका मतलब ये है कि एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता तब तक इसको बात पर यकीन नहीं करना JSSC का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है, और लगने का कारण जेन्युइन देख आप लोग देख ही सकते हैं कि 2-3 दिन पहले नोटिस जब दिया, अरे भैया उस दिन जो दिए थे कि एग्जाम सेंटर आपको 5 जगह सेंटर दिया गया है, रांची, धनबाद, बोकारो, जो भी जहाँ जहाँ है, उसी दिन दे देते आप कि आपका एग्जाम 14 तारीख या 15 तारीख या 12 तारीख या 10 तारीख से होने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ जाता, कोई दिक्कत है क्या उसमें, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत सारे बच्चे अपने जाते हैं रक्षाबंधन मनवा के आ जाते हैं जो पास में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी वजह से रक्षाबंधन में घर नहीं जा पा रहा है, जो तो अगल जो ज़्यादा पास में हुआ चला जाएगा
50-60 किलोमीटर 80-100 किलोमीटर तो चले जाएगा बस वगैरह से, जो रेल के साधन से जाना चाहिए वो कैसे जाएगा फिर वो, इसलिए नहीं जा रहा था ना वो कि चलो 2 तारीख का आपको एग्ज़ाम देंगे अगला बार अच्छा बंदा बनाने बढ़िया से, लेकिन आप ऐसे सस्पेंस में डाल दिए ना कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, जे शशि का जैसा बात बोला गया कि यदि आ गया तो एग्जाम 2 तारीख को ले लेंगे, नहीं आया तो फिर पीजीटी के बाद होगा। चलिए कोई बात नहीं, यही बात हम बता आपको बता दिए तो आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको तैयारी जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि आप ये बात बोल आप पढ़ाई को ढील दीजिए, नहीं, फिर जितना मेहनत किए 1.5 महीना में सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी रखिए, अच्छी बात है थोड़ा बहुत समय मिल रहा है, 1-2 सप्ताह तो बढ़िया है, लीजिए इसको रिविजन कीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों। ऐसे अभी की डेट में खास करके टेस्ट वगैरह मार रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं मार रहे टेस्ट तो छोड़िए, टेस्ट को मत मार हटाइए, अभी कोशिश कीजिए, मेन करंट अफेयर पढ़िए थोड़ा बहुत करके। और जो SSC का जो प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों SSC का बोल रहे हैं, जो कम से कम 18, 19, 20, 21 करके 3-4 साल का एक बार लगा लीजिए एक बार, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, प्रीवियस 80 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछता है, शायद 120 क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर ने उसमें, तो सर को सब क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है, पता चल जाएगा। आप जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो जैसे जेई में आ सकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और पता चल जाएगा आपको। इसलिए तभी जो आपको 7 दिन समय मिला तो उसको मतलब बर्बाद मत होने दीजिए, उसको SSC JEE का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगा लीजिए। यकीन माने दोस्तों, यदि लगा जाते हैं तो आपको सेकंड पेपर में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है अपना कोर ब्रांच में, और पहला पेपर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं। पहला पेपर बोल दिया एकदम ऑनलाइन टाइप के आएगा, एकदम देखिए मारिए, यदि आता है तो मारते, नहीं आता तो गए काम से। और सेकंड पेपर में न्यूमेरिकल भी आएगा, स्टेटमेंट वाला भी आएगा और सब चीज़ वहाँ आएगा, ठीक है। मैक्सिमम 120 क्वेश्चन में से देखिएगा 60-70 क्वेश्चन आपको ऑनलाइनर मिलने वाला है सेकंड पेपर में, और न्यूमेरिकल आएगा 8-10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देगा, बेसिक देगा, फॉर्मूला पता बन जाएगा, नहीं पता नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को पॉजिटिव में लीजिएगा। बाकी दुख की बात तो है दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसा मतलब आ रहा है, मतलब कोई मतलब ये होता है ना कि थोड़ा रूल रेगुलेशन, तो ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, आ गया तो एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं आया तो PGT के बाद होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मान गए JSSC का दोस्तों, हमें तो नहीं पता था JSSC के बारे में, लेकिन ये चीज़ मान गए कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता दोस्तों तो JSSC के एग्ज़ाम करने का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हम देख लिए, क्योंकि दोस्तों 2 दिन पहले एग्जाम, 2 या 3 दिन पहले दिया है, शायद फ्राइडे को दिया था नोटिस, उसमें क्लियर लिखा हुआ था 2 तारीख से आपका एग्ज़ाम, ठीक है। यदि उसको बढ़ाना होता तो उसी दिन लिख दिया जाता ना, तो टेंशन नहीं होता, छात्र रक्षाबंधन बना के आराम से 30-31 तारीख को 1 तारीख को पहुँचाता अपना जहाँ जहाँ पढ़ाई करता है, ठीक है। JSSC की तरह से बहुत सारे बच्चे नहीं मनाने जा रहा है रक्षाबंधन। खैर चलिए, JSSC की बात है दोस्तों, तो ऐसा बोला गया, अब देखते हैं क्या होता है, शाम तक इंतजार कीजिए अब जो बोला है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आज देने वाला है, क्योंकि जैसा बात किया कि हम गुजरात में रहते हैं तो मान लीजिए 2 तारीख मेरे एग्जाम होता है, एग्जाम कैसे देंगे, तो उन्होंने क्लियर लास्ट में बोल दिया कि एग्जाम आप PGT के बाद होगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसा बात बोला है उन्होंने। अब देखते हैं क्या है सच्चाई, शाम तक पता चल जाएगा। कल तो छुट्टी है रक्षाबंधन का ऑफिशियली, कल तो छुट्टी होना चाहिए, हालांकि झारखंड में तो परसों छुट्टी है शायद पूरे झारखंड में, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल देखा जाए सेंट्रल का बात है तो कल ही शायद रक्षाबंधन, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं SSC का प्रीवियस क्वेश्चन देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो आएगा बेहतरीन तरीके से आएगा, रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं क्वेश्चन, डाटा आपको हिट करेगा, PDF जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो PDF दिए हैं और जो नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा। आपको नंबर दे देते हैं 8968765101 पर जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। नंटेक वाला जरूर लीजिए, नंटेक वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सारा चीज़ कवर है उसमें, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर उसी में से आना, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, ठीक है, बाकी सब चीज़ उसी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।